खरगोन जिले के सहगांव मुख्यालय पर स्थित क्षेत्र की प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई माता जी के मंदिर में माता जी के सिंहासन पर पीतल की धातु की परत चढ़ाई गई, जिससे माता जी नए स्वरूप में नजर आई। इसी तरह पंडित दीपेश महाराज ने बताया कि नवरात्रि को देखते हुए दानदाताओं ने इसमें सहयोग देकर इस कार्य को कराया, जिसमें ग्राम के उप सरपंच हरिओम यादव, बड़वा के राजेंद्र गुप्ता, कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल पाटीदार और कोषाध्यक्ष भागीरथ मंडलोई ने अपना सहयोग किया। ये माता जी नवरात्रि के लिए ये विशेष श्रृंगार माता जी का हो रहा है और नवरात्रि को देखते हुए माता जी के लिए एक धातु का पीतल की धातु से पूर्ण रूप से माता जी का पूरा पीछे की साइड का आवरण और आसपास के जो पिल्लर है उस पर भी साज सजावट सज्जा के लिए माता जी के लिए पूरे धातु पीतल की धातु से बना हुआ पूरा ये मुकुट और माता जी का जो आवरण है वो बनवाया है। इसमें माता जी के जो भक्त हैं उन दानदाताओं के द्वारा इसमें छः दानदाताओं की दान राशि मिली हुई है और छः दानदाताओं के द्वारा ये राशि दे करके उनके सौजन्य से माता जी के लिए पूरा आवरण बनवाया गया है। इसमें ग्राम के सरपंच उप सरपंच हरिओम जी यादव के द्वारा राशि दी गई है और दूसरी राशि बड़वा के राजेंद्र जी गुप्ता उनके द्वारा एक राशि दी गई है। एक राशि जो है योगेश कालूपुरी गोस्वामी के द्वारा राशि दी गई है और मंदिर समिति के अध्यक्ष हीरालाल जी पाटीदार और मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष भागीरथ जी मंडलोई द्वारा माता जी के लिए दान देकर के यह पूरा आवरण तैयार करवाया गया है। सहगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट।